बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं मलिक वकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल मलिक वकास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तो दोस्तों, इंशाल्लाह जो है वो आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक लेटेस्ट जो है वो नया टूल लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि वो टूल आपको पसंद आएगा और जो पिछले जो मैंने टूल्स जो है वो अपलोड किए हैं वो भी आपको पसंद आए होंगे। अगर किसी चीज़ की कमी रह जाती है तो काइंडली आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में मुझे बता दिया करें, तो इंशाल्लाह जो वो कमी है वो इंशाल्लाह पूरी होगी और आपको हर तरीके से मुकम्मल सपोर्ट मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल टेक्निकल मलिक वकास सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब का चैनल टेक्निकल मलिक वकास सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे पास जो टूल है वो है हलाब टेक का टूल वर्जन 0.9। ठीक है, जो पिछली मेरे इसी चैनल पे तकरीबन वो अपलोड हुआ हुआ काफ़ी अरसा पहले का वो था, इसका तकरीबन 0.5 या 6 यही का वर्जन था। तो मेरे पास जो है वो एक ईमेल आई थी दोस्त की, वहाँ पे उन्होंने बताया हुआ था हलाब टेक का जो है वो 0.9 टूल वो भी है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने सर्चिंग की, जो हलाब टेक की वेबसाइट है वहाँ पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ये टूल जो है वो फ्री में डाउनलोड नहीं किया जाता। जिन लोगों ने प्रीमियम अकाउंट जो है वहाँ पे बनाए हुए हैं वो इस टूल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लगा मुझे, इस वीडियो को जो है वो लेट अपलोड हुई है वो इस टूल के बारे में था। ये टूल है वो बहुत ही बेस्ट रहा है। ठीक है, ये है 85 MB का टूल जी। तो ये टूल जो है वो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मेरी वीडियोस हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम जो था वो अक्सर टूल जो थे उनके पासवर्ड्स में था। ठीक है, पासवर्ड जो है वो ऊपर नीचे हो जाते थे, मुझे नहीं पता चलता था कि पासवर्ड का जो अब एडिटिंग कर रहा होता था, ठीक है, कौन सी फाइल का कौन सा पासवर्ड है। तो पासवर्ड जो है वो उसका भी तरीका बता दूंगा। जो अब नेक्स्ट टूल हमारे आएंगे सब के अंदर जो है पासवर्ड जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, वो पासवर्ड जो है मैं आपको उसका तरीकेकार बता दूंगा कि इस विनरार जो सॉफ्टवेयर है इसको जब आप ओपन करेंगे टूल को इसके अंदर ही आपको पासवर्ड मिल जाया करेगा। ठीक है, तो टूल को जो मैं ओपन करता हूँ, ये देखें, इसके साथ जो है ये देखें ये कमेंट बॉक्स है, इसको जो है वो ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, इसके अंदर ये देखें, फाइल इज़ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, फाइल पासवर्ड इज़ TMW786। जो भी हमारे नए टूल्स अब मैं अपलोड करूँगा सबका पासवर्ड यही होगा और यहीं से आपको मिल जाया करेगा। आपको बार बार कमेंट के अंदर और मैसेज के अंदर पूछने की ज़रूरत नहीं है कि पासवर्ड कौन सा है। ठीक है, फाइल पासवर्ड इज़ TMW786। ठीक है, ये आपका जो है वो पासवर्ड हुआ करेगा। तो अब क्या करते हैं, हम जब इसको टूल को जब इंस्टॉल करते हैं इसको क्या करेंगे, हम एक्सट्रैक्ट करेंगे या इसको डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। पासवर्ड मांग रहा है, यहाँ पर आपने लिखना है TMW786। मैं शो भी करवा देता हूँ आपको, ये देखें लार्ज कैपिटल के अंदर, ठीक है, TMW786। ओके, ये जो आपका टूल है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है प्रॉपरली। तो ये देखें, ये नेक्स्ट, ठीक है, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन क्या हुआ है, कुड नॉट एक्सेप्ट फाइल लोडर 1.mbn, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, लॉन्च हलाब टेक टूल, ठीक है, ओके, ये जो टूल है वो हमने ओपन किया है इसको, ये इसका डेस्कटॉप इस तरह से आपके पास एक आइकन आ जाएगा हलाब टेक टूल का। ठीक है, ये जो इसका नया वर्जन है इसके अंदर जो है वो उन्होंने इसको बताया है कि क्वालकॉम एडिशन है। ठीक है, क्वालकॉम एडिशन है, यानी कि पिछले भी इनके तकरीबन काफ़ी 8-9 वर्जन है टूल्स के, उसके अंदर क्वालकॉम का कोई टैब नहीं था, इसके अंदर इन्होंने क्वालकॉम का भी एक छोटा सा टैब जो है वो दिया है। ये ऑफिशियल हलाब टेक का टूल है। ठीक है, ये मेरे पास ये वार्निंग इसलिए आई क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन है वो इस वक्त बंद हो चुका है, इंटरनेट नहीं आ रहा, तो इस वजह से जो है वो हमारे पास जो है वो वार्निंग आई थी, मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारा ये जो टूल है ये ओपन हो चुका है। इसके अंदर आपको ये कुछ टैब्स मिलेंगे, मैं जल्दी जल्दी से बता दूंगा कि आप सबका जो है वो टाइम ज़ाया ना हो। अक्सर दोस्त जो है वो वीडियो को छोड़कर टूल डाउनलोड कर लिया होगा उन्होंने, दोस्त जो है वो वीडियो मेरी आधी देखते हैं। ठीक है, पहले 4-5 मिनट जो है वो देखे पासवर्ड का, जैसे ही पता चला उसे वक्त टूल डाउनलोड किया, मुकम्मल वीडियो नहीं देखते। ये सैमसंग का है, ठीक है, इसके अंदर आप इमेज में जो हमारे पास जो इमेज होती है, ठीक है, फाइल रोम की वो उसको हम कर सकते हैं। HTC का टैब है, हवावे का है, एंड्रॉयड का है, ऐप मैनेजर है, शाओमी का है, रोम बेटा, और ये क्वालकॉम का उन्होंने ऐड किया है इसके अंदर। सैमसंग में वही तरीक़ेकार ADB मोड के अंदर, ठीक है, यहाँ से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं, इनकी जो ये देखें नेटवर्क वगैरह इनका रिपेयर करना होता है वो आप या वहाँ पर इसको रिपेयर कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, उसके पैच सिस्टम कर सकते हैं फाइल बना के, वो सिस्टम UI वाला तरीका। ठीक है, RMM जो है यहाँ से बेहतरीन है ये इन मॉडल्स के अंदर, जिनके अंदर जो RMM का प्रॉब्लम आता है। ठीक है,
जो RMM मसला आ जाता है मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, ठीक है, तो ये यहाँ से जो है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क पर इनका जो है वो मॉडेम फाइल जो है, ये मॉडेम के लिए ये बेस्ट टूल रहा है, क्योंकि मेरे पास Z3X भी था, ऑक्टो भी था, एक दो टूल्स और थे, एक मोबाइल फ़ोन था उसका जो है वो मॉडेम फाइल उस पर जो है वो राइट नहीं हो रही थी। ठीक है, काफ़ी ट्राइज किया था हमने, तो ये इस टूल के ज़रिए मैंने उस पर वाटर फ्रेम जो है वो राइट की थी, वो हो गई थी, बाकी पे वो Z3X पे भी एरर दे रहा था, ऑक्टो पे भी। ठीक है, ये भी इन्होंने मेथड दिया हुआ है, ये भी मेथड टू दिया हुआ है। इसके अलावा HTC है, HTC के अंदर ADB मोड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, फास्ट बूट मोड के अंदर, ठीक है, अनलॉक बूट लोडर जिप से फ्लैश कर सकते हैं और फ्लैश अलग अलग से कर सकते हैं 3000 फाइलें। तो इसके अलावा हवावे है, हवावे के अंदर जो क्या है नॉर्मल ADB मोड के अंदर आप क्या कर सकते हैं और फास्ट बूट के अंदर, ये आप जैसे ही सबको चेक कर सकते हैं। मैं ना सिर्फ क्वालकॉम के बारे में बता दूं, यहाँ पे कॉम पोर्ट वो मांग रहा है हमसे, कॉम पोर्ट क्या है जिसके अंदर आपको क्वालकॉम की पोर्ट जो होती है 9008 पोर्ट, डायग्नोस्टिक पोर्ट वगैरह यहाँ पर इनेबल हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने दो मैथड दिए हैं, बाय मॉडल और बाय लोडर। लोडर करेंगे अगर आपके पास मैनुअली लोडर है तो आप यहाँ से उसको लोड कर सकते हैं, अगर मॉडल के हिसाब से करना चाहते हैं तो ये कुछ उन्होंने मॉडल इसके अंदर ऐड किए हैं, हवावे Y7 प्राइम, Y6 प्राइम, ये हवावे नोवा 8X मैक्स। ठीक है, ये देखिए आप चेक कर ले। इसके अलावा एजोस के इन्होंने मॉडल्स कुछ ऐड किए हैं, लेटेस्ट नोकिया का, नोकिया 2, नोकिया 5, नोकिया 6। ठीक है, इसके अलावा सैमसंग के ये कुछ और मॉडल जो है इन्होंने ऐड किए हैं। यहाँ से क्वालकॉम की XML फाइल भी बना सकते हैं, इन्फो रीड कर सकते हैं, FRP रिमूव कर सकते हैं, MDM रिमूव कर सकते हैं और सेलेक्ट रोम करके उसको जो है वो इरेज और फ्लैश और इनका बैकअप ले सकते हैं जी। तो इसके अलावा ये देखिए Xiaomi के लिए भी है, इन्होंने यह ADB मोड के अंदर, फास्ट बूट मोड के अंदर क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐप मैनेजर है, ऐप डायरेक्ट इंस्टॉल, इस पर डिलीट बैकअप ले सकते हैं उसका, कुछ ऐप जो डिसेबल्ड होते हैं उनको इनेबल कर सकते हैं। हवावे के अंदर यहाँ पर उन्होंने कुछ मॉडल वगैरह दिए होंगे, उसके ज़रिए आप इनको क्या कर सकते हैं, रूट कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का टूल, उम्मीद करता हूँ कि वो टूल आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप ये टूल भी आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। दोस्तों कुछ दोस्त जो है वो कमेंट के अंदर मुझे कह देते हैं कि सर आप जो है मोबाइल क्यों नहीं साथ में अटैच करके दिखाते, टेस्ट के साथ वर्किंग है नहीं है। मेरे भाई इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम एक एक मोबाइल की टेस्टिंग आपको दिखाएं, ये टूल्स हमारे आपके लिए तलाश करते हैं, काम करना आपकी ज़िम्मेदारी बनता है कि अगर आप इस पे टूल पे काम करेंगे, आपके पास मोबाइल है, आप इसको अटैच करेंगे तो आप ही को पता चलेगा कि किस तरीके से मोबाइल फ़ोन को अटैच करना है, किस तरीके से उसको फ्लैश करना है, सारा तरीक़ेकार आप पे डिपेंड करता है। हमने सिर्फ आपको टूल्स देने हैं और उसके जो तरीक़ेकार है वो टूल्स क्या क्या वर्किंग कर सकता है, अगर आप GSM फील्ड के अंदर हैं तो आपको इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।